हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश नर्सिंग एकेडमी। तो आज बच्चों हम बात करेंगे आपके यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी का अलाटमेंट लेटर आ गया है। तो अलाटमेंट लेटर के बाद बच्चों को क्या करना है, इसके कौन कौन सी प्रोसेस क्रिया हमें करना है, वो सारे हमें डाटा के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि सारे बच्चे को ये कन्फ्यूज़न है कि क्या सर मैं मेरे जो मैं चाह रहा था कोर्सेज, उस कोर्सेज के बाद वो कोर्स हमें नहीं मिला, दूसरा कॉलेज मिल गया या किसी को दूर मिल गया है, वो नज़दीक ही चाहता था। इन सारे बातों का मैं सारा डिस्कस एक स्टेप वाइज करेंगे। तो चलिए बच्चे, हम सबसे पहले हम उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं और चेक करते हैं कि हमारा फीस जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज फीस है 24,000, वो मुझे ऑप्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो सबसे पहले हम उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हम चले गए और यहाँ से हमने देखा क्या कि ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और जैसे ही नीचे जाएंगे तो हमें यहाँ पे अप्लाई फॉर यस CSP रिजल्ट दिया है। तो यहाँ पर हम ऐसे कर लेंगे, इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर, ये हमारा इस तरह से कुछ ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा लॉगिन आईडी करने के लिए। जैसे कि देखिए ये हमारा आईडी खुल गया है और यहाँ पे लॉगिन रजिस्ट्रेशन क्लिक दे रहा है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लॉगिन एप्लीकेशन नंबर दिया है, पासवर्ड दिया है। तो जैसे कि मेरा में पहले से किसी बच्चे की ऐड है तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं उसकी यहाँ पे कोड ये डाल दे रहा हूँ 5NV2PF1, ये हमने डाल दिया। और यहाँ पे जाने के बाद लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन यहाँ से मेरा देखिए ये हो गया लॉगिन है। और लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पे कैप्चा कोड गलत था ये, जैसे कि DMTF, ये हमने लॉगिन कर लिया। देखिए लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको देगा ऑप्शन में, तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे कर ले रहा हूँ, डेस्कटॉप पे ये देखिए मेरा डेस्कटॉप पे हो गया। जैसे कि कोई कैंडिडेट है, कैंडिडेट का यहाँ पे डिसीजन मार्किंग मेकिंग दे रहा है। डिसीजन मेकिंग में मतलब यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद क्लिक व्यू अलाटमेंट रिजल्ट होगा। यहाँ अलाटमेंट रिजल्ट देखने के बाद कुछ आपको इस तरह से एक अलाटमेंट लेटर जारी होगा। तो मैंने एक ही देखिए ये क्या है, अलाटमेंट लेटर में क्या कर रहा है। तो हाँ देखिए ये हमारा अलाटमेंट लेटर निकल गया। अलाटमेंट डिटेल देखिए लिखा है, ये कोई कैंडिडेट है जिसको JK कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ कानपुर मिला है, डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन मिला है। मतलब रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन है। इनकी फ़ीस देखिए टोटल कॉलेज फीस 19,000 जमा करना है। यदि देखिए कह रहा है कि यहाँ पे पे करने के लिए बिल दे रहा है ऑप्शन ऑनलाइन, और यहाँ पे देखिए आपको ऐसे फ्रीज, देखिए फ्रीज का ऑप्शन तब आता है जैसे कि फ्रीज एक फ्रीज और फ्लोट आता है। फ्रीज में मतलब अगर आपको आपको जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज से आप संतुष्ट हैं तो आप इस फ्रीज का ऑप्शन क्लिक करते हैं। जैसे कि इसमें क्या है कि दो ऑप्शन जब दिए रहते हैं तो ये एक फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन आता है। जैसे हमें फ्रीज तो करना ही है क्योंकि अगर आप कॉलेज को ना आपकी इच्छानुसार कॉलेज ना भी मिला है तो अगर आपको कॉलेज अलाटमेंट हो गया तो आपको फ्रीज करना ही है। फ्रीज करने के बाद ही आप सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। मतलब आपको यहाँ पर फ्रीज करना है और ये 19,000 की फीस कटवानी है और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज पर जाना होगा। कॉलेज में जाने के बाद आपको वहां पे जो भी डॉक्यूमेंट है सारा जांच कराने के बाद आप फिर आएंगे तो
और फ्लोट का ऑप्शन क्लिक करके आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो ऐसे सारे चीज़ें आपको करना है, तो ये आपको फ्रीज करना है। ये मत सोचे कि हमें ये कॉलेज में हम नहीं लेना चाह रहे हैं, ऐसा कोई केस है जब मुझे नहीं मिले हम ये नहीं लेंगे, सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट हो जाएंगे, ऐसा भूल कभी गलती मत कीजिएगा। जिनको अलाटमेंट हो गया है वो बच्चे यहाँ पर एक्सेप्ट फ्रीज कर कर फीस कटवाना ही है तो कटवाना है। उनको 19,000 देने के बाद ही होगा ये अगली काउंसलिंग, वो चिंता ना करिए। जो 19,000 फीस आपको कटेगा दूसरे वाले कॉलेज जो अलाट होगा वो 19,000 वापस हो जाएगा। अगर कॉलेज नहीं अलाट होता है तो उसके भी खारी उसके भी ऑप्शन है, क्या पैसा क्या वो वापस होता है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता दें। तो चलिए देखते हैं क्या प्रोसेस है और उस काउंसलिंग में क्या लिखा है लेटर में, एप्लीकेशन में। तो ये हम चल जाते हैं पीछे इसके, ये मेरा हाँ ये तो हो गया। मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं डाउनलोड किया हूँ इसके ऑफिशियल वेबसाइट से PDF डाउनलोड किया हूँ, इसके लेटर काउंसलिंग स्टेप डाउनलोड किया था। देखिए कि ये हमारा यहाँ से खुल गया, हाँ यहाँ से मैं देखिए ये स्टेप नंबर 4 आप चले जाइएगा फॉर्म जो नीचे दिया गया था उसमें चौथे नंबर पे चले जाइएगा। चौथे नंबर पे साफ साफ लिखा है सीट आवंटन परिणाम घोषित। अगर आपको अलाटमेंट रिजल्ट हो गया है तो उसके बाद क्या करना है, तो सबसे पहले अभ्यर्थी द्वारा चयनित विकल्पों के क्रम से ही उसके रैंक के अनुसार उपलब्ध सीट आवंटन किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपने स्टेप वाइज मतलब आपने कॉलेज चूज किया था माइनॉरिटी अबाउट जैसे कि एक के बाद उसी के रैंकिंग अनुसार आपको कॉलेज अलाट किया जाएगा। जैसे अगर आपको फर्स्ट कॉलेज माने KGMC डाले हैं KGMU, तो अगर KGMU में आपका रैंक नहीं आता है तो उसके नीचे वाले जो कॉलेज है उसी को अलाट किया जाएगा। तो ये सारे ऐसे ही आपको अलाटमेंट किया गया होगा। दूसरे स्टेप में देखिए लिखा है अभ्यर्थी से मेरिट और चॉइस के अनुसार आवंटित सीटों के परिणाम निर्धारित तिथि घोषित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवंटन काउंसलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके आवंटित सीट निर्धारित पाठन शुल्क 24,000 रुपये में से जमा सिक्योरिटी फीस 5,000 घटाकर अवश्य शेष हमारा 19,000 ऑनलाइन माध्यम जमा करने के पश्चात अवश्य आवंटन पत्र अलाटमेंट डाउनलोड कर सकता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि जो आपका सिक्योरिटी फीस काउंसलिंग कराते समय 5,000 लगा था, टोटल फीस तो 24,000 है, उस 24,000 में 5,000 घटाकर मतलब 19,000 आपको ऑनलाइन ही शुल्क जैसे जहाँ से अलाटमेंट लेटर दे रहा है उसी के जस्ट नीचे जैसे मैं आपको बताया हूँ वहाँ से आप फ्रीज का ऑप्शन क्लिक करके 24,000 का जो माइनस 5,000 घटाकर 19,000 फीस आपको जमा करना है। आगे देखिए प्रशिक्षण केंद्र, उसके बाद आपको प्रोविजनल लेटर आएगा, उस लेटर को डाउनलोड कर लेना है। लेटर को डाउनलोड करके वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेकर जाना है। तो आगे देखिए क्या क्या है, प्रशिक्षण केंद्र रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब पैसा जमा करने के बाद आपको क्या करना है। देखिए पैसा जमा करने के बाद काउंसलिंग द्वारा आवंटित सीट अभ्यर्थियों को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब पैसे जमा करने के बाद उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराता है तो उसकी फीस जो होगी सिक्योरिटी फीस जब्त कर ली जाएगी, अन्यथा किसी भी स्थिति में जमा की गई सिक्योरिटी फीस जब्त कर ली जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी अगले चक्र में काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु सिक्योरिटी फीस जमा करने के पश्चात ही आ रहे होंगे और वो चाहते हैं कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो उनको सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं दिया जाएगा। अगर दिया जाएगा तो आपको फिर से 5,000 की सिक्योरिटी फीस जमा करना पड़ेगा, मतलब जो आपने पीछे सिक्योरिटी फीस 5,000 जमा किए थे वो आपको जब्त कर ली जाएगी। आगे आगे हम पढ़ते हैं, देखिए ऑनलाइन दूसरे स्टेप में ऑनलाइन काउंसलिंग द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों को संबंधित प्रशिक्षण केंद्र में पहुंचकर प्रवेश एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। करने मतलब जो भी बच्चे अगर चाहते हैं मैं ये कॉलेज चूज नहीं करूँगा, ये कॉलेज मैं नहीं लेना चाहता हूँ, तो सबसे पहले आपको पैसा जमा कर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है। क्योंकि अगर आप काउंसलिंग प्रक्रिया कंप्लीट नहीं करते हैं, अगर काउंसलिंग प्रक्रिया की बाहर से आप क्रिया कर रहे हैं तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं दिया जा सकता है।
तीसरे स्टेप में लिखा है अभ्यर्थी अपने क्या क्या दस्तावेज में लिख जाना है। तो सबसे पहले आपकी आवंटन प्रोविजनल लेटर अलाटमेंट लेटर जो डाउनलोड किए हैं वो लेना है, डिपॉजिट सिक्योरिटी फीस जो 5,000 की सिक्योरिटी फीस जमा किए थे उसकी रसीद ले लेना है, साथ में हमारे के साथ संबंधित परीक्षा केंद्र निर्धारित तिथि का रिपोर्ट करें। अब रिपोर्ट आपके मतलब कब जाना है, रिपोर्टिंग आपको दे देगा कब से कब तक है, 18 तारीख के बीच तक आपको जाना है, वैसे भी आपको नीचे दिया गया है। संबंधित परीक्षा केंद्र पर प्रवेश प्रक्रिया के समय अभ्यर्थी को मूल प्रमाण पत्र की जांच के प्रवेश अनुमति दी जाएगी। मतलब कहने का मतलब आपके हाई स्कूल इंटर मार्कशीट जाति जो भी फॉर्म भरते समय जितने भी डॉक्यूमेंट लगाए थे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक कराते समय का किसी भी प्रकार के इनवैलिड डॉक्यूमेंट पाया जाता है तो आपकी एडमिशन निरस्त कर दी जाएगी, आपकी फीस भी जब्त कर ली जाएगी, आपको कोई भी पैसा वापस नहीं की जाएगी। तो आप कृपया ध्यान दें कि जो डॉक्यूमेंट लगाए थे वही सब डॉक्यूमेंट लेकर जाए, जाति वो सारे जितने भी डॉक्यूमेंट थे वो सारा लेके जाना है, फिर तीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लेके जाना है आपको। ये सारे केसेस थे। देखिए अगला, प्रथम काउंसलिंग सीट आवंटित होने के बाद भी अभ्यर्थी संबंधित परीक्षा केंद्र प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत ही अपग्रेडेशन के लिए विकल्प बनना होगा। जैसे वो चाहता है, जैसे मान लो उसको कॉलेज मिला, उसको कॉलेज में वो एडमिशन नहीं लेना चाहता है, उसमें नहीं पढ़ना चाहता है, तो वो फीस जमा करने के बाद जैसे ही फीस जमा करके आएगा तो वहाँ से एक लेटर मिलता है, वो लेटर लेकर आएगा, यहाँ से अपग्रेडेशन का फॉर्म भरता है। अपग्रेडेशन का फॉर्म भरने के उपरांत उसको सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट मिलेगा। सेकेंड काउंसलिंग में जो कॉलेज मिलता है उसमें वो उसकी फीस उसमें ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो ये सारे केसेस था, उम्मीद की होंगी ये सारे समझ में आया होगा। अपग्रेडेशन की प्रक्रिया यहाँ पे लिखा गया है क्या क्या करना है। जैसे कि अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन का लाभ काउंसलिंग में केवल एक बार ही मिलेगा, ध्यान रहे अपग्रेडेशन का लाभ केवल एक ही बार मिलेगा। मतलब वो जैसे ही आएगा तो अपग्रेडेश का ऑप्शन देगा उनको सेकेंड काउंसलिंग में चूज करने के लिए, तो ये ऑप्शन केवल एक ही बार देगा। मतलब ये नहीं है कि दूसरे बार आपको कॉलेज अलाट हो गया फिर भी वहाँ नहीं लेना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसा चीज़ें भूल कर भी मत करें, वही कॉलेज चूज करिएगा सेकेंड काउंसलिंग में जो कि आपको लेना है। तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा क्या क्या आपको कैसे कॉलेज को चूज करना है, तो उसके अनुसार मैं आपको बना दूंगा वीडियो। चिंता मत करें, हमारे वीडियो पे बने रहें और हमारे जो भी इन्फॉर्मेशन हो उसको सुनते रहिए। अपग्रेडेशन हेतु अभ्यर्थी प्रशासनिक सीट के चॉइस के छोड़कर अपग्रेड हेतु चॉइस देना होगा, जैसे कि वहाँ पर अपग्रेड का चॉइस देना होगा। यदि अभ्यर्थी अपग्रेड नहीं होता है तो जिस प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेशित था उसी प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेशित हो जाएगा। जैसे अगर अपग्रेड नहीं करता है तो जो उसको कॉलेज मिला था फिर उसी कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, मान लेते हैं आपको कॉलेज कोई नहीं मिला, आपको अगर कॉलेज कोई नहीं मिला तो आपको वही कॉलेज में जो जिसमें पहले आपका एडमिशन हुआ था वो कॉलेज आपको पुनः मिल जाएगा। तो ये अपग्रेडेशन की ऑप्शन होता है। यदि कोई अभ्यर्थी अपग्रेड हेतु आवेदन करता है और वो अपग्रेड हो जाता है तो पूर्व आवंटित सीट रिक्त होने की दशा में नीचे मेरिट वाली अभ्यर्थी भरी जाएगी। कहने का मतलब अगर आपको अपग्रेड करने के बाद आपको कॉलेज अलाट हो जाता है तो वो आपको नीचे वो नीचे मेरिट वाले बच्चों को उसमें पुनः उसमें सीट आवंटित हो जाएगी। मतलब आपके सीट पर दूसरा कोई बच्चा आ सकता है। किसी भी दशा में अपग्रेड हुए अभ्यर्थी को पूर्व आवंटित सीट पर कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। मतलब अपग्रेड होने के बाद वो कहता है कि मैं उसी में पढ़ना चाहता हूँ, मेरा उसी में एडमिशन हुआ है, तो ऐसा कोई बात नहीं है, वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी अपग्रेडेशन उपरांत आवंटित प्रशिक्षण क्षेत्र के केंद्र पे हेतु रिपोर्ट करना होगा। यदि अभ्यर्थी रिपोर्ट नहीं करता है तो उस दशा में अभ्यर्थी का अपग्रेड देखिए अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन उपरांत आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश हेतु रिपोर्ट करना होगा, और यदि रिपोर्ट नहीं करता है तो इस दशा में अभ्यर्थी को अपग्रेड हुए सीट एवं पूर्ण आवंटित सीट दोनों ही निरस्त हो जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी अपग्रेड हुए सीट पर रिपोर्ट नहीं करते हैं उनका अपग्रेडेशन पूर्व अपग्रेडेशन दोनों ही सीटों पर कोई दावा माने